Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Eva's Designer Outfit। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ आपकी दुआ। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने इस फ्लैट कॉलर कुर्ती को बनाया था, तो आज के वीडियो में हम ट्राउजर की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे और नीचे हम कैसे इस डिजाइन को किया है उसकी भी डिटेलिंग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड पे बिछा लिया है वेथ वाइज। ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। टोटल लेंथ जो है 37 इंच आ रहा है, तो हम पूरा ले लेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अभी हम 2 इंच निशान को स्ट्रेट कर देंगे। अभी हम क्रॉस लाइन के लिए 14 इंच पर निशान लगाएंगे। हिप के लिए मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है। अभी क्रॉस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। क्रॉस लाइन के बाजू से 2 इंच एक्स्ट्रा रहना जरूरी है। अभी हम इस पे थोड़ा शेप दे देंगे। अभी हम इसको पूरा टोटल मेजर करेंगे। टोटल 14 इंच आ रहा है, तो हम अभी 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे, मतलब मिडिल पर एक निशान लगा देंगे 7 इंच पर। नीचे पर भी हमने 7 इंच पर ही निशान लगानी है। बॉटम हमारी 6.5 इंच रहेंगी एक्स्ट्रा जोड़। अभी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और मिडिल देख लेंगे कितना। अभी हम मिडिल को 7 इंच निशान पर रखेंगे, दोनों साइड से मार्क कर देंगे। अभी हम शेप स्केल से इसको जोड़ देंगे। दोनों साइड से जोड़ने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक को लेंथ वाइज 2 फोल्ड कर लिया है। अभी ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच निशान के नीचे से हम फर्स्ट वाला पार्ट रखेंगे और हम अभी इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। क्रॉच लाइन के साइड से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसको मार्क करते जाएंगे। एकदम नीचे तक हमें इसको मार्क करते जाना है। अभी हम फर्स्ट वाला पार्ट हटा के इसको कट कर लेंगे। अभी हमने जो ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसके लिए हम ऐसे शेप दे देंगे। मतलब क्रॉच लाइन से 2 इंच एक्स्ट्रा तो रहेगा, मगर उल्टी साइड से 2 इंच नहीं रहेगा, उसको हम ऐसे तिरछा जोड़ देंगे। अभी हम दोनों पार्ट की क्रॉच लाइन को ऐसे सिल देंगे। सिलने के बाद ऑपोजिट साइड जुड़ी हुई रहेगी, तो उसको हम कट करके अलग कर देंगे। और क्रॉच लाइन की फ्रंट साइड से हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। दोनों साइड से टॉप स्टिच लगाने के बाद बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे एंड क्रॉस लाइन के अकॉर्डिंग हम पूरा सिल देंगे इसको। सिलने के बाद नीचे से अगर कोई छोटा बड़ा रहता है, तो उसको हम कैंची से कट करके अलग कर देंगे। तो लेंथ हमारी छोटी है, इसलिए हम इसको बढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 पीस ले लिया है, 13 इंच लंबी एंड 4 इंच चौड़ी। अभी हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको अभी फोल्ड करके ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाएंगे, चौड़ाई पर 1/2 इंच पर निशान लगा देंगे और इसको तिरछा मिला देंगे और ऐसे कट कर लेंगे। तो दोनों साइड से 2-2 कपड़े अंदर रखते हुए हमें इसको ऐसे सिल देंगे। सिलने के बाद मिडिल पर छोटा छोटा कट लगा के इसको अंदर की तरफ घुमा देंगे, तो ये फिनिशिंग में आ जाएगी। अभी हम डिजाइन बनाने के लिए व्हाइट एंड रेड कलर का कपड़ा ले लिया। तो व्हाइट कलर की जो लेंथ एंड वेथ है वो 2.5 इंच, रेड कलर की जो लेंथ एंड वेथ है वो 2 इंच है। तो हमें पोटली बटन रेडी करनी है व्हाइट कलर कपड़े से, तो इसको हम ऐसे रेडी कर लेंगे। अभी हम डिजाइन के लिए इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और व्हाइट कलर के ऊपर रेड कलर को रख के उसके ऊपर पोटली बटन को रख के ऐसे सिल देंगे। एक एक करके हमें बहुत सारा ऐसे रेडी कर लेना है। तो रेडी हो गया है हमारा डिजाइन। अभी हम ट्राउजर को साइड से ऐसे खींचते हुए इसको सिल देंगे। सिलने के बाद हम इलास्टिक के लिए बेल्ट को रेडी कर लेंगे और थोड़ा सा गैप रखेंगे।
अभी हम 1 इंच और 26 इंच लंबी एक इलास्टिक कट कर लेंगे। अभी हम इसको सेफ्टी पिन से इसके अंदर घुसा देंगे और दूसरी साइड से इसको निकाल के सेफ्टी पिन से दोनों साइड को सिक्योर करके गैदर्स को सही कर लेंगे। गैदर्स को सेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका इलास्टिक जो है सही से बैठेगा नहीं। अभी हम एक इलास्टिक के एंड के ऊपर और एक इलास्टिक के एंड को रखेंगे और सिल देंगे पूरा। अभी हम जो गैप रखी थी उसको सिल देंगे। सिलने के बाद गैदर्स को सही कर लेंगे फिर से एक बारी और गैदर्स को खींचते हुए बीच में एक सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हो गया है। अभी हम डिजाइन को देखेंगे। डिजाइन के लिए जो मैंने कपड़ा लिया था उसके ऊपर मेन डिजाइन को उल्टी तरफ से रखेंगे, एक एक करके रखेंगे और इसको पूरा सिल देंगे। सिलने के बाद फोल्ड करके हम ऐसे साइड को सिल देंगे। सिलने के बाद सीधी साइड कर लेंगे और सीधी साइड को अंदर रख के हम इस राउंड को सिल देंगे। तो डिजाइन में जो वी शेप आएगा वो साइड में रहना चाहिए, तो उसको मिलाते हुए हमें जो है सिक्योर करना है और इसको सिल देना है। तो अभी हम उल्टी साइड से इसको निकाल देंगे और सीधी साइड देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगी। अभी हम इसके ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद हमारे ट्राउजर की जो डिजाइन है वो कंप्लीट होती है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ट्राउजर को कैसे रेडी किया है। आप भी घर में आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है, बहुत ही इजी है। कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मैंने जो दूसरा वाला अनस्टिच ड्रेस मटेरियल शेयर किया था उसकी भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा।